क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पर्सन एक्स फ्रॉम अ प्लेस ए एंड अदर पर्सन वाई फ्रॉम अ प्लेस बी सेट आउट एट द सेम टाइम टू वॉक टूवर्ड्स ईच अदर। यानी एक्स है वाई है, पहले मैं इनकी बातों को रिकॉर्ड कर लेता हूँ नहीं तो भूल जाऊंगा। एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। कह रहा है कि प्लेस ए से और ये प्लेस बी से ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, ठीक है। चल भैया तू इधर चलेगा और ये तू इधर चलेगा, ठीक है। इतना बात के कहा मैंने लिख लिया सेट आउट एट द सेम टाइम टू वॉक टूवर्ड्स ईच अदर। एंड कहता है द प्लेसेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 15 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स वॉक विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर। यानी एक्स जो चल रहा है, एक्स ये जो चल रहा है ये 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। और ये वाई की बात करें, वाई कह रहा है कि वाई वॉक्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट आवर। पहले घंटे में 1 किलोमीटर पर आवर से चला। फिर उसके बाद कह रहा है विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.25 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर। यानी दूसरे घंटा भी चला तो उसका स्पीड 1.25 से बढ़ गया था, 1.25 हो गया था। और फिर इसी तरीके से चलता गया, तीसरा घंटा वो 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला और कह रहा है कि वो चलता ही गया, ठीक है, चलता ही गया। तो यानी मैं अगर कहूं वाई को, वाई पहले घंटे में चला 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरे घंटे में चला 1.25 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड से, तीसरे घंटे में चला 1.5 किलोमीटर की स्पीड से, है ना, और चलता ही गया। अब ऑप्शन में क्या कहा है, दे टेक 5 आवर टू मीट। यानी कि हम दोनों को 5-5 घंटे चलाकर देखते हैं कि ये लोग कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग हम पता लगाएंगे कि ये दोनों 5 घंटे में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना। अगर मैं कहूं 1.5 की स्पीड से 5 घंटे तक यक्स चलेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना दूरी तय करेगा वो, तो चाल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। और हमें डिस्टेंस निकालना है, स्पीड है 1.5 किलोमीटर और टाइम दिया है 5 घंटा, ठीक है, तो सब स्टैंडर्ड वैल्यू है तो एकदम बराबर कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस आ जाएगा 7.5 किलोमीटर, है ना। यानी 5 घंटे में भैया एक्स जो चला है वो 7.5 किलोमीटर चला है, ठीक है। अब 5 घंटा इसको भी चलाओ, ये पहला 1 घंटा चल चुका है, 2 घंटा चल चुका है, 3 घंटा चल चुका है। अब इसके हर घंटे में 0.25 की रफ्तार बढ़ती जा रही है, तो बता चौथे घंटे में इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, 1.75, है ना, चौथा घंटा। और फिर 1.7 पांच में 0.25 और जोड़ेगी तो क्या हो जाएगा, 2, पांचवा घंटा। यानी 5 घंटे हो गए, अब इसके सारे के सारे जो 1 किलोमीटर इसने चले हैं उसको जोड़ देता हूं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं जोड़ूंगा तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 तो ये हो गए खड़े खड़े और ये 2 ये 6, ठीक है, 4, 2, 6। और फिर ये जो बचे हुए पॉइंट है 75 और 25, 100, यानी 1 बना देंगे तो 7 और ये 0.5 किलोमीटर भैया ये भी चल लिया, वाई भी 7.5 किलोमीटर चल लिया। अब हम देख रहे हैं ये यहां से चला 7.5 किलोमीटर, ठीक है, ये यहां से चला 7.5 किलोमीटर और ये यहां से चला 7.5 किलोमीटर, और 15 का आधा कितना होता है 7.5 किलोमीटर। यानी दोनों 5 घंटे बाद जब चलेंगे, 5 घंटे बाद दोनों आपस एक दूसरे के सामने रहेंगे। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है दे मीट मिडवे बिटवीन ए एंड बी। तो भैया 7.5 ए और बी के बीच का ही तो डिस्टेंस है, ये ए और बी के बीच का ही तो डिस्टेंस है 7.5। यानी दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है,
सही है। उसने पूछा है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आंसर बोथ वन एंड टू इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? बहुत बढ़िया।